तीन भाई हाँ घर बताया मैं ताई ने मकाम में चल बढ़िया हूँ एक गांव की गांव गांव राम हुआ है उसकी अगर भलाई करा हाँ ठीक है आप यानी फौज पुलिस की वर्दी नहीं मिली तो को जरूरी नहीं है वर्दी नहीं आप समाज खातिर फिर भी कर सका हाँ ऐसा तो वो नहीं है। इब 20 तारीख ने जो भी आड़ा है अनिश्चित धरना होगा इस सड़क के ऊपर रोड जाम संपूर्ण रोड जाम मैं पहले बता रहा हूँ कि अपना प्रबंध बेशक कर लियो अलर्ट कर दियो CID ने कर दियो और आपने पुलिस बुलाने बेशक कर लियो जो सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी वह आपकी रहेगी कुछ घटना घटेगी तो प्रशासन जिम्मेवार होगा न कि गांव जिम्मेवार होगा। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम बासगाम में फिलहाल आप नारनू दलकागा बासगाम जींद भिवानी रोड पर 2 घंटे रोड जाम था 12 से 2 बजे तक का काफ़ी संख्या में मातृशक्ति थी बुजुर्ग आदमी थे युवा साथी थे सारे बैठे थे रोड जाम लगाया रोड जाम कराया। हालांकि बहुत सारी बात आवा भाई एक सवाल यूँ भी आवा कि जब रोड जाम कराया जावे है तो आम जनता परेशान हुआ है तो इनसे पूछांगे इन भाई है ना भाई मतलब यूँ कदम हालांकि रोड जाम करना बहुत बड़ा कदम हुआ है क्यों यूँ कदम उठाना पड़ा के इनकी मजबूरी थी और 15 दिन तक मंडी में भी इनका धरना जो लगातार चल रहा था। तो भाई साहब राम 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 भाई अपना राम के नाम गन है संदीप मोर नाम है भाई संदीप मोर आप माला पर अनशन पर बैठे थे आज तीसरा दिन अनशन है बिना कुछ खाए पिए भाई आमरण अनशन चल रहा है आमरण अनशन है सरकार इतने ना मानेगी इतना अनशन खत्म नहीं होगा भाई। भाई साहब आज के कारण था जो आपने रोड जाम करना था रोड जाम इनू करना पड़ा आमी तहसीलदार साहब ने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं वे उड़ा ले ले है जमा राजी होए गए महाराज नू तसल्ली हो जाए ला बात सुनी आई गई भाई तो भाई सुनी गई सही या रद्द हो जाएगी वे व्हाट्सअप कर दे है आगे भी कोई व्हाट्सअप ने देखेगा ना देखता इस बात का भी हमें नहीं बेरा। भाई साहब ये बताओ मतलब नगर पालिका रद्द करवाना क्यों चाहो नगर पालिका के भाई जी आप भी केरा शहर तो हो आप बता दो शहर मर ग्रामीण में टैक्सा कितना फर्क है। सबसे बड़ी बात यह है जो 4 सरपंच है गांव में उस 4.5-5 करोड़ रुपया उल्टा गया बंकर दीन ग्राम पंचायत नगर पालिका 3 साल तक चलाए दी तो गांव ने कि मैंने भी सोचा अब चलो रही भी इलेक्शन हो जाएगा विकास के करिए हो गए हरियाणा कारखाने लायक जगह कोई बात नहीं गांव इतना शांत बैठा रहा। अच्छा। और तो ये 3 साल हो गए जो गांव तो मतलब बुरे हालात हो गए हाड़ा भाईचारे तो ही बिगड़ गए ये प्लाटा का खोज लेंगे ये हो जाएगा या रिक्वायर उल्टी ले ही जाओगी नगर पालिका का अंडर में आ जाएगी और इस नुकसान का अच्छा एक 5 नंबर जो बढ़ता है घटा है एक वो सबसे बड़ा दुख है एक कोई भी गरीब माँ बाप है मान ले एक हमारा हाई स्कूल है हालांकि देख बढ़िया बिल्डिंग बनी रही इसमें कोई दो राय नहीं नुका रखा तो दुश्मन का भी सराहना चाहिए बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है और मास्टर टीचर जो भी है एक नंबर का स्टाफ अनुशासन बहुत बढ़िया तो उसमें भी 10 रुपये फीस होया कर दी आज 600 से 700 रुपये फीस होगी तो एक गरीब माँ बाप कुकर पढ़ा होगा अपने बड़का ने नौकरी की तो बाद में बात से और नौकरी में भी 5 नंबर का जो और जाना बैठेगा भी काम में लोगों का यह बात समझ में आई और एक जो मनरेगा है मनरेगा जड़ तक ख़त्म कर दिया इन्हें मनरेगा तक कम से कम 4-5 हज़ार परिवार का काम चल रहा था चोला चुका चल रहा था भाई किसी को मांगने को नहीं पड़े थे गरीब आदमी ने नारी रहे बीमारी रहे एक जो गरीब आदमी है नहीं उसकी आत्मा तो पूछो बाई चांस हाथ में रुपये नहीं है वो साग सब्जी की टाल तो कर सका है जिसका गरीब परिवार में मान लिया कोई बीमार पड़ गया रुपये ना है तो भाई जी अपने दिल बहादुर कहू देखो के भी तदी होगी इस बात ने आप जमा समझ सको खुद महसूस करके जो अपना दिल पर महसूस करेगा दूसरा दर्द जब उस तकलीफ का भी अनबेरा लाग कई तरह बेरा नहीं लगेगा सबसे बड़ा नुकसान के लगा अपना सबसे बड़ा बड़ा नुकसान तो है इसमें एक 5 नंबर अच्छा दूसरा नुकसान यो जो यो अपना मनरेगा मनरेगा है नहीं यो भी बहुत बड़ा नुकसान है टैक्स चालू चल रहे है विकास नहीं होया मारी ओढ़ते इस बात का नाम चाहे इसी केंद्र शासित प्रदेश बना दो चाहे अमेरिका नाम दे दो फिर दे दो कागजा में जिस दिन धरातल पर इसी अमरीका शहर अंड बंड बना दोगे नहीं उस दिन बेशक है नियमानुसार बेशक तो आप टैक्स ला दो जो भी है हमी जब कोठिया में रहने लायक जाए विकास हो जाएगा रोजगार आ जाएगा कोठिया में रह हमी क्यों अपनी उसी जिंदगी जीवांगे धूल मिट्टी वाली रोजगार करांगे अपना आराम तो हर परिवार अपने बच्चे का सुख देखेगा भलाई सारा सब भलाई दिखेगी सब के नागला बस सही चल रहा है काम सरकार ने सही कर दिया तो वो क्यों विरोध करेगा टैक्स का जिस तरीके का काम आ रहा है बगड़ है ठोड़े हैं इस तरीके से
बास में तो कै परसेंट काम का समर्थन भाई साहब आपके साथ? बास का 80% है भाई जी। ये बात देख चुके हो इस समय। देख मैं एक बात और बताना चाहूँ सो मैं ना आला की देख अनसन पे थे अड़े इतना बोलिया भी कौन जाओ था फिर भी मैंने एक बात कही मैं एक बात हाथ जोड़ के कहूँ कुछ चलो विरोध में भी हो गए 20% लोग गलती भी होगी होगी सर पचा तो कोई बात को नहीं भाई अभी ठीक आपने नहीं बेरा होगा तो एक बात बता दो मैंने 3 साल हो गए मैं यहाँ खड़िया हूँ मैं 3 दिन हुए हो लिए भूखा प्यासा हूँ और आपने मेरे हालात भी दिख दे हो गए वो बैनर वो फोटो देख लियो और आज का तीसरा दिन ये हालात देख लियो मेरे डॉक्टरी करवा लियो आप कि तेन मन है अगर धरना पे दिन रात बैठा है अगर रात रात ने उठ कर उठ चाय बिले मलंग के होगा इसी बात नहीं है गांव ने विश्वास कराया मेरा पे मैंने गांव पर पूछी मैं सरकार सुन दी को अनसन पे बैठ जाऊँ गांव ने पूरा ने सहमति दी और ये तो भी बैठो रात ने 24 घंटे हाँ मंडी में 24 घंटे और मेरा 36 जात का जो भाईचारा है मेरा रात ने उड़ जाए का भाई का जी ला गया रहे होगा हरण नहीं देवांगे मैंने गांव में हाथ जोड़ के एक बात कह दी तमी एक बार अपना हौसला बुलंद संगठन अगर मजबूत रखोगे नहीं भाई जी मैं अनसन नहीं तोड़ूंगा और सरकार जो बात मान जाएगी जब यहाड़त है ए टू जेड 36 जात का भाई चारा नू कह देगा नहीं अग भाई हम संतुष्ट हो गए हाँ तू संदीप अनसन तोड़ दे तो मजब तोड़ सको ना मैं तोड़ता नहीं बेसक प्राण चले जाइयो 3 भाई हाँ घर बताया मैं ताई ने मगा माँ मैं चाल बढ़िया हूँ एक गांव की गांव गांव राम हुआ है उसकी अगर भलाई करा हाँ ठीक है आप या ने फौज पुलिस की वर्दी नहीं मिली तो कोई जरूरी नहीं है वर्दी नहीं आप समाज खातर फिर भी कर सका हाँ ऐसा तो वो नहीं है मैं बता चल जाता मैं 3 हाँ उसका गिरा दो रह जा या मतलब आन और श्यान वाली बात से सरकार का जो नाक का बाढ़ जाए वो बन भी रहा है नगर पालिका का नहीं तोड़ांगे वापिस नहीं होवेगे तो भाई जी ये मेरे जो ये गांव में टैक्स लग रहे हैं जैसे बिजली का टैक्स है भाई और यो 5 नंबर आला है और यो मनरेगा आला है इन बाल कर दो हमें ना कोई वो नहीं जिस दिन मान ले नगर पालिका शहर बन जाए उस दिन आप लागू कर दो कौन मना करा है सेक्टर काट दो रोजगार दे दो यार आज एक गुआंडी भाई मान ले घर जावे है कोई आस पास में उन पूछ ले कित जाएगा था वो नू नहीं गए अकबास गा था जिस दिन वो नू कह दे नहीं मैं शहर आया हूँ उस दिन हम ही खुद मान लेंगे जो शहर बन गया सबसे बड़ी बात यह हर पूरा गांव का विरोध है वे हाँ एक बात वो रह गई है मैं फिर बताना चाहूँ अक कोई भी भाई मान ले इस नगर पालिका के तुड़वाण में विरोध कर रहा है मैं अनसन बजाड़ खड़िया हूँ आए के मैंने इसका 3 साल में एक फायदा नू दिखा दे देख मेरा थप्पड़ मार के कई गाल पे एक फायदा गणवाओ एक थप्पड़ मारो अक देख यो फायदा और ना तो झाड़ में टोटे गणवा दूंगा अक यो टोटा होया और मेरे थप्पड़ उठ दाओ नहीं तो भाई जी तीसरा थप्पड़ में पड़ जाएगा अगला आज अगर आप बात करा 2.25 घंटे का आपका रोड जाम रहा SDM भी नहीं आए कोई बड़ा मतलब प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं आया मतलब आपकी कोई मांग थी भाई वो अधिकारी आना चाहिए या वो खुद नहीं आए ऐसा था देख प्रशासन का काम हुआ कि आगे हमारी जो भी आवाज़ है उसकी पूछाओ तो ये अधिकारी है जैसे SDM साहब है DC साहब है तो उन लोगों का हमें मानना हमें समाज में तो है वो हमारा दर्द समझे इस बात ने रास्ता यो है वे बेचारे जमीर जाग गए इन ऑफिसर का वन रैंक के अधिकारी जमीर के राजा जाग जे या हड़े तो जमीर जाग दे आवाज में राजनीतिक आवाज आओगी बदली मेवात वो बेचारा डर जे है अफसर भी बेचारा है चेक जे है दूध का दूध पानी या पानी कई बार उनने भी जमीर मारना पड़ जे है हमें क्यों मानना कि DC साहब गलत कर रहे हैं DC मैडम अब एक नंबरी सभ्य है बिल्कुल सभ्य है मैंने उसके अखबार में भी आड़े भी मैंने देख के बिल्कुल सभ्य है तो फिर रास्ता उनका हाथ में होंगी तो आज ना आज 3 दिन हो लिए अगर उन्हें बेरा भी लाग गया होगा अगला भाई अनसन भाई बैठे है जो उनका हाथ में जाए रद्द करनी होंगी भी अनसन तुड़वाए देर मैडम जी आए मैंने बेरा तरीका तो 16 दिन हुए 16 दिन हुए आज 16वां दिन है 16 दिन में की अचीवमेंट हुई आपने मतलब कितना सरकार के ऊपर असर गिरा सरकार का असर की तो वह है हम यहाँ एक जमा शांतिपूर्वक याड़ है तहसील में ज्ञापन दिए आग गए पहुंचे को नहीं भा मैंने के बेरा आश्वासन तो यो है दिया गया कि सरकार दी तारी आवाज जाओगी आवाज गई नहीं मतलब रिप्लाई नहीं आया तो कुछ भी रिप्लाई नहीं ना कोई याड़ अपने अधिकारी आया है ना कोई प्रशासन कुछ भी नहीं रिप्लाई नहीं आना फिर आप उसमें के मानोगे तो नू है आपने देखा होगा एक मतलब गुआंड का नाता ला लो बास गांव है इतना बड़ा गांव है और जमा एक नंबर का भाईचारा है इसमें 36 जात का भाईचारा है गुआंडी भाई है गामी सुख दुख में हमेशा खड़े रहे और गुआंड डाले ने भी बेरा सब ने मेरा जो आसपास के गांव है तो ये धरना पो था अपना भाई किसान नेता विकास सिर पहुंचा उसने भी गई और एक अपना
इसका नाता है गुआंड का नाता है कि जस्सी पेटवाड़ भी वो भाई आ रहा था। अब भाई मैं कल गांव में दौरा पे था, मैं उसमें नहीं आ सका, मैं आज भाईचारा मैं तमी इकट्ठे हो रहे थे नहीं, मैं गुआंड का नाता आया हूँ, मैं कि राजनीति का उसता आया हूँ कि तेन मान कई लोग अगर राजनीति चमकाना रहे है और उन्हें भी मतलब सरकार जो ही चल रही है उन्हें लागे आ कि नवी पक्ष ठा रही जी कोई बात नहीं है, नेम खा के हूँ मेरे ते किसी ने गाइड नहीं करया अकला भाई तू अनसन कर, मैंने मेरे विचार लोग परेशान होंगे दिखे आप ही अपनी पुराना याहूती ला रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई जी, मीडिया वाले हो आप विकास देख जियो गांव में, आप मैंने बता दियो कि विकास दिखे तो दो चार हाथ आप भी मिला लियो गांव में जाओ तो गांव में ले जियो उस विकास ने खींच के नगर पालिका का ने है। अच्छा इब 20 तारीख ने जो भी आड़ा है अनिश्चित धरना होगा इस सड़क के ऊपर, रोड जाम, संपूर्ण रोड जाम, चार दिन का टाइम दे दिया 19 तक, चार दिन का त्यौहार ठीक है, बीच का लोग त्यौहार मना लेंगे अच्छी बात से, हालांकि हमें तो देख मनाते को नहीं कद होली दे आ रही फाग नहीं मनाते हमें भाई, हाँ हमें तो काली होली है आज बिल्कुल कोई खुशी कुछ नहीं है, हमें बस सारा गांव मतलब एक आक्रोश में है तो उसमें कोई नहीं ना फाग खेल जाना होली मनाई जावे उस गांव राम ननू बेरा है अकेक मारा मारा बालक एक मेरा और बराबर महेक भाई अनसन पे बैठे भूखे प्यासे हमें कुकर हलवा खा लेंगे, मैं तो नहीं मानता कि गांव का इतना गिरावड़ा जमीर होगा, मैं इस बात ने नहीं कबूल कर सकता भाई जी। 20 तारीख तो आपका अनिश्चित रोड जाम, तारीख ने यारे ये गुआंडी आ रहे थे नु बोले बास गांव हमारे दिन रात हर कार्य में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा सहयोग मांगे यानी खड़े रहे हाँ, और ये पूरा हल्का खप्पा गांव में नो मिल लिया बिल्ला हमें नेम खा के वहाँ तारा हर पल साथ देवाएंगे गुआंडी जमा नू ना मानियो कि बास एकला है सबकी लड़ाई है बोलिया आज तारे तमी परेशान हो तड़का हम ही परेशान होवांगे जब तमी ना चाहते तो फिर भी धक्के सरकार करण लायक रही है तो यो गलत है यानी 20 के बाद रोड जाम जब तक मांग नहीं मानी हाँ बिल्कुल जाम होगा भाई जी। अरे यार मैं आपने एक और बात बता दी देख इसमें प्रशासन से भी अगर बात जावा है तो देख बवाल होगा जोश होगा क्रांतिकारी यहाँ से निकलेंगे गाँव से गुआंड से बिल्कुल नौजवान जो बालक है वे जमा इस धरना ने पूरा अपना उसमें आंदोलन करके चलावेंगे चाहे ज्यादा अगर नुकसान भी होगा तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि अपना प्रबंध बेशक कर लियो अलर्ट कर दियो सीआईडी ने कर दियो और आपने पुलिस बुलाने बेशक कर लियो जो सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी वह आपकी रहेगी, कुछ घटना घटेगी तो प्रशासन जिम्मेवार होगा न कि गाँव जिम्मेवार होगा ये बताना चाह रहे भाई जी। एक चीज़ जिस तरीके से शुरू में मैंने सवाल कराया था आज आज एक चीज़ देखी गई है लोकल जो पब्लिक रोड पर को आओ जाओ जिस तरीके से स्कूल की बस आएगी बच्चे छोटे छोटे हैं वो भी बस में बैठे कोई बीमार आ गया केवल एम्बुलेंस जरूर निकली है आम जनता भी तो परेशान हो भाई जी। देख मैंने सबसे पहले यही बात कही थी अके जो भी एम्बुलेंस आवे नहीं उसकी रास्ता दे दो स्कूल की वैन ने रास्ता दे दो, एमरजेंसी है किसी का कोई शादी में जा रहा भाई हरी बीमारी है वो अपनी पर्सनल गाड़ी में उसकी काट देंगे और काटे भी है आपने देखा होगा सिर्फ मना जोड़ के या कही थी अगर जो भी ये साधन आए भाई है गुआंडी है नून नून जानी है गुआंडी है चाहे दूर का हो हाँ जोड़ के मैं कहूँ हमें कितने दिन तक परेशान हो रहा हमारे कारण एक बार दो घंटे या फिर थोड़ी परेशानी झेल लोगे तो भाई तारा बहुत ही धन्यवाद होगा। और जो ये ड्राइवर भाई हैं इन ती जो कमेटी आए हर ये जो युवा संगठन आए गांव के भाई हैं इन ती कह दिया था चाह पानी पियाओ सहयोग करो भाई अरे इन बताओ कि राम ही परेशान हो रहा सच्चाई जो दूर ती जावे। चलो भाई साहब तो इनका कहना सिर्फ यू है कि जो नगर पालिका के फायदे होने चाहिए वो फायदा अब तक इस गाँव में नहीं दिखा है तो बाकी आपके मन हो आपकी सोच के कव आपके विचार के कम हैं इनकी जो मांग है कितनी जायज़ है या फिर नाजायज़ है या फिर नगर पालिका उन्हें फ़ायदा या नहीं फ़ायदा है जो आपकी सोच जो आपके विचार है एक सभ्य कमेंट के माध्यम तो आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और जो अपडेट होगी 20 तारीख का इन्हें अल्टीमेटम दिया है 20 तारीख तक अगर नगर पालिका नहीं रद्द करी गई तो 20 तारीख को इनका कहना ये कि अनिश्चितकालीन रोड जाम कराया जाएगा इसी जगह पर। जय जवान जय किसान।